रानी साहिबा को ऐसा लगता है कि सारे दिन आप दरबार में बैठे रहते हैं, कुछ खास करते नहीं। बिल्कुल। और जामपना को ऐसा लगता है कि रानी साहिबा से वक्त दास दासियों से काम करवाती हैं, खुद कुछ करती नहीं, इसलिए जब आप घर लौटते हैं तो आपको परेशान करती हैं। ऐसा हमें लगता नहीं है, लगता नहीं है हमें, ये सच है। आप दोनों की समस्या सुलझाने के लिए हमारे पास एक तरीका है। कैसा तरीका? नशा करके आओ दरबार, जो जापना की जगह रानी साहिबा का नाम ले रहे हो। ये सही कह रहे हैं वजीर आजम, आज से मुगलिया सल्तनत और दरबार दोनों हम संभालेंगे। देखा रानी साहिबा, इस बार खाना हमने बनवाया तो दोनों को इतना पसंद आया कि खुशी से चीख रहे हैं दोनों। अरे हमें तो बड़ा मजा आ रहा है, तो सब कुछ ठीक चल रहा है तो चलने दीजिए ना, आप घर का काम संभालिए, हम दरबार संभालते हैं। रानी साहिबा, वो अरे नहीं, आप कैसे जा पाएंगी? रहने दीजिए। क्या बात है, जा पाना बताइए ना हमें। नहीं, बताकर क्या करें, लेकिन आप जा तो पाएंगी नहीं, हम उर्वशी से बात कर लेते हैं। जा पाना, आपने हमें बुलाया? हाँ 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 उर्वशी, हमने बुलाया। हम तुम्हें यह बताना चाह रहे थे कि वो भीमलाल जौहरी है ना, उसके पास कुछ नए नए नायाब नक्काशी वाले गहने आए हुए हैं। हम बस चाह रहे थे कि तुम वहां पर जाओ, मतलब वो उन गहनों को देखो। माशाल्लाह, क्या कारीगरी है, क्या बारीकी वाला काम है। तुम जाओ और उन गहनों को देखो, उन्हें खरीदो। हाँ। नहीं, चाहते तो हम ये भी हैं कि रानी साहिबा जाकर खरीदे, लेकिन क्या है, वो तो जा नहीं पाएंगी। उन्हें यहाँ पर पूरी की पूरी रियासत और आवाम की जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, तो वो कैसे जाएंगी। तुम जाओ और जाकर खरीदो वो गहने। हाँ। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है उर्वशी। साथ साथ में बर्मा के व्यापारी आए हुए, कपड़े के व्यापारी, और वो हो क्या कसीदे का, आप ठीक है? हाँ, हाँ। तो हम बता रहे थे कि क्या कसीदे कारी वाला काम है उन कपड़ों पर। आहा, 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 माशाल्लाह, ऐसा कपड़ा तो आपने क्या आज तक किसी ने भी देखा तक नहीं होगा। सच? हमें तो पता ही नहीं था जापाना। अरे पता भी होता तो आप क्या कर लेती, आप तो जा नहीं सकती ना, आपको तो किलों के मोयने पे भी जाना है। हम तो जरूर जाएंगे, रानी साहिबा आप भी चलिए ना। अरे ये कैसे चल सकती हैं, इन्हें अभी दीवाने खास में जाना है, सब उनका इंतजार कर रहे हैं, इतने सारे काम है उन्हें, वो कैसे आएंगी। नहीं, 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 हम जाएंगे। दीवाने खास में एक दिन नहीं गए तो कोई तूफान नहीं आ जाएगा। वैसे भी क्या करते आप लोग, दो चार लोग गप्पे मारते, एक दूसरे की टांग खींचते करते और इसका नाच देखते, और क्या करते। अब हम तो जाएंगे बस। नहीं रानी साहिबा, देखिए दीवाने खास का काम छोड़कर हम आज तक कभी नहीं गए और आप भी नहीं जा सकती हैं। नहीं नहीं, हमें तो जाना है, ऐसे कपड़े और गहने रोज रोज नहीं मिलते। ठीक है, आपको जाना है तो हम रथ आपके लिए मंगा लेते हैं। हाँ। और दीवाने खास का काम हम संभाल लेंगे। रानी साहिबा आप इतना क्या सोच रही हैं? औरतों की शान दीवाने खास से नहीं बल्कि कपड़ों और गहनों से होती है। जरा सी भी देर आपने कर दी तो वो कपड़े और गहने आपके हाथ से निकल सकते हैं, सकते हैं मतलब। हाँ तो चलिए रथ मंगवा दीजिए। हाँ हाँ तो ठीक है। हाँ। अभी दो रथ का इंतजाम करते हैं आप लोगों के लिए। दो नहीं, एक, एक रथ। सिर्फ उर्वशी जाएगी और वो हमारे लिए एक कपड़े और गहने लाएगी। हम तो दीवाने खास जा रहे गप्पे मारने। चलो उर्वशी इंतजाम करते, चलो चलो। सारी योजना बिगाड़ दी हमारी रानी साहिबान, अब कुछ और सोचना पड़ेगा। जहां पना, अरे ये पीछे पड़ी हुई है, एक तो बाहर आए हैं। खूब खूब, बहुत खूब वजीर आजम, रानी साहिबा खुश हुई। वैसे आप इस पद के लिए बिल्कुल काबिल है। चलिए चलिए अगला मामला। रानी साहिबा,
दुश्मन देश के गुप्तचर। क्षमा कीजिए रानी साहिबा, लेकिन आपको जहाँ पनाह ने तुरंत बुलाया है। उनसे कहिए हम काम में जरा व्यस्त, बाद में आके मिलेंगे। कहाँ जा रहे? रुक। बोलिया। जी रानी साहिबा। दुश्मन माफ रानी साहिबा, लेकिन जहाँ पनाह ने आपको तुरंत बुलाया है। उनसे कहिए हम बाद में आके मिलेंगे। बोलिए। जी रानी साहिबा, दुश्मन देश के गुप्तचर ने रो रो कर हंगामा मचाया हुआ है, वो आपसे मिलना चाहता। ये तो होना ही था। बुलाइए उसे, बुलाइए। माफी रानी साहिबा, माफी। दूर। सेना के बर्तन धोने से, कपड़े धोने से, चक्की का आटा पीसने से हम खुद पीस गए हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता है, हमें फांसी दे दीजिए, सूली पे चढ़ा दीजिए, पर हमसे ये नहीं होगा। तुम्हारे पास सिर्फ दो ही रास्ते हैं, या तो सब कुछ बोल दो या जिंदगी भर ऐसे ही काम करते रहो। नहीं नहीं नहीं, हम सब बता देंगे, इस जन्म का क्या, पिछले जन्म का क्या, सब बता देंगे। लेके जाइए इसे और पूछताछ कीजिए, चलिए लेके जाइए। अरे तालियां, मैं किसे लोग मंगाऊं क्या ताली मारने के लिए? तालियां। ये तो कमाल हो गया रानी साहिबा, जिस आदमी ने हमारे सारे जुल्मों सितम से और महीनों अपना मुंह नहीं खोला, वो आपके तरीके से एक दिन में ही बोल पड़ा। बिरबल, घर का एक छोटा काम करके औरत की कमर टूट जाती है, तो फिर ये तो पूरी सेना का काम दिया था हमने इसे, इसका मुंह तो खुलना ही था।